भारत माता की जय हो। तीन नाथ है तुम्हारे रूट जी में वो हाथ ढीला करो के मोटी भीड़ जोर बोलो लड़ेंगे जीतेंगे मोटी बेस कर लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। जिला बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक भीमाराम जी चौधरी, कोषाध्यक्ष और व्यापार संघ अध्यक्ष हरि जी, बुजुर्ग भिखाराम जी, धोनी साहब, नरेंद्र जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष टाप पिठाक साहब, तमाम का नाम जाना कोई पूरा नहीं कह सका, माफी चाहूं तमाम विद्यार्थियों बुजुर्गों मेरे नौजवान साथ। आज हम तीनों का तीसरा दिन है। कल जब बीपी डांस की और कीटोन डांस किया तो सभी खतरे के ऊपर थे। रात को पुलिस के अधिकारी आए, एसआरएस टीम आए कि आप बीपी दोबारा जांच नहीं करें। जब हमें पता चला कि रात को 1-2 बजे आएंगे और आपको उदयपुर हॉस्पिटल फिट करेंगे तीनों, कोई अलग अलग हॉस्पिटल, तो हमने विचार किया या संख्या कम है ना ठीक नहीं है, हम यहाँ तीनों यहाँ से गायब हो गए और यहाँ ढूंढा पुलिस और डिप्ट साहब सवेर गए थे, हम दो बार है आप कहाँ थे, मैं हम गायब थे और हमने साइकिल चढ़ गए डिप्ट साहब के, हम साइकिल से पता नहीं चला। हमने कहा हम दिन को भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जबरदस्ती ले जाओ आपकी मर्जी है, बाकी रात को हम नहीं मिलेंगे आपसे, कम से कम आज की रात जरूरी है नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल सांचौर बंद का आन है, इस मौके पर हमारा निर्णय जरूरी है। साथियों, जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है। चाणक्य ने 25 साल पहले कहा था पुरुषार्थ मनोतर बेवा, पुरुषार्थ आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है, जो संघर्ष करता है संघर्ष को सलाम है, संघर्ष से आगे बढ़ता है। आप तमाम अपनी खेती को छोड़ करके, बाजरी कटाई को छोड़ करके इस धरना स्थल पर आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमने पहले भी कल परसों यहाँ थे अर्चन जी प्रधान, पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि थे यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि जियो राम जी एसटी को वापस लगाना चाहते हैं। मैंने उनको एक ही बात कही, जिला हम लाए लोगों ने वाह वाह कर दी, अब जिला जाने की तैयारी में है, आप जिले को जाने से रोकिए, हम आपकी वाहवाही करेंगे, जीवराम जी और देव जी दोनों की वाहवाही करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है हम चले जाएंगे, परंतु आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी कहेंगी हमारे पुरखे मजबूत थे, जिले को जाने नहीं दिया और जिला चला गया, आने वाली पीढ़ी कहेगी 20-30 साल के बाद में हमारे पुरखे कमजोर थे, जिला चला गया। आपसे मेरा निवेदन है, समय सभी का बराबर है, सभी को 24 घंटे मिलते हैं, काम सभी के हैं, परंतु कल की तारीख में कितना भी कामकाज है, तमाम लोगों कामकाज छोड़ करके आपको कल यहां हाजिरी देनी है। जिनकी बेजा 5 स्कूलों ने बंद की घोषणा कर दी, जो सरकारी स्कूल अपने गांव के अंदर है, उस सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को अंदर नहीं भेजना है, ताला लगा के स्कूल के गेट के आगे बैठाना, बच्चों को मास्टर प्ले स्कूल में जाए। एक दिन पता चलना चाहिए सरकार को कि सांचौर पूरा एक है, सांचौर पूरा जाम रहा है। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि कई आडेचा झाप सेवाड़ा चित्रणा सांचौर ये सभी बंद रहेंगे, और तमाम कल तो यहाँ कोई वक्ता कह रहा था कि एक दिन अगर कोई भी एक दिन अनशन रखेंगे, यहाँ आएंगे तो खाना नहीं खाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है खाना आप खा करके मौजूद रहे, हम बैठे आपकी हाजिरी में, खाना बिना खाए हम बैठे रहेंगे, आपको खाना खा के आना है, मौजूद ही जाना है,
पीछे एक नहीं छोड़ना है, गाड़ी के तेल की परवाह नहीं करनी है। तेल हम जाको जिलदा पादरी बात है, हमारी हाथ में थाली हाकी तेल की परवाह मत करी, तेल की परवाह कत नहीं करनी है। जिसके पास व्हीकल है व्हीकल तमाम लेके, जितनी गाड़ी है घोड़ा गाड़ी तमाम है, तमाम को लेकर आना है। जब जिला बनना बड़ा था, एक भुर्जी थोड़ी है बेड़ी रहा, एक पीरजी साई दौड़ रहा था, उन पैदल ही आए, पैदल वो संचोर आए। अरे जिला जब जा रहा है डबल समूह से प्रूफ करना पड़ेगा, डबल मजबूत रखेंगे, दुगुनी मजबूत रहेंगे, तब जाके जिला रहेगा। या किसी पार्टी का मामला नहीं है, किसी जात का मामला नहीं है, नहीं मेरा किसी का नाम लेना है। मैं तो केवल नामित था, तमाम जो वक्ता कल बोले मेरा उनसे साधन निवेदन, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। जो बात तो हो गई वो हो गई, अब तो जिला कैसे रहे वो बात अपनी करनी है, और सभी लोग साथ रहेंगे तभी जाके जिला रहेगा। मैं तमाम से निवेदन करूंगा आप आए, देवराम जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल मीटिंग है, आप यहाँ पढ़ रहे, देव जी आप भी पढ़ रहे, ताकि लोगों में जोश रहेगा कि भाई सभी जनप्रतिनिधि, तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि एक है, अब तो जिला किसी भी सूरत में रहेगा। आप सभी तमाम से निवेदन है, आज आए इनका धन्यवाद, और कल ये पूरा संचोर भर देना चाहिए, पूरा संचोर भरेगा, स्कूल से भी बंद रहेगी, तब जाके सरकार के काम में जू लगेगी। वाकई में संचोर एक है, बात को सुनना पड़ेगा। जहां तक बात रानीवाड़ा की, बाबागुड़ा के 90% जनता संचोर लेना चाहती, बाबागुड़ा यहाँ से 40-46 किलोमीटर दूर है, झाड़ूरवा से ज्यादा दूर है, 30 मिनट का रास्ता है। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हरित तो नागोदरी शुरू होता है, ये धीरे सबको रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 40 किलोमीटर रानीवाड़ा दूर है, किसी को इतराज नहीं है। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, सांचौर दो विधानसभा का जिला है, प्रतापगढ़ जिला जो बनाया था वसुंधरा जी ने, उसमें एक एमएलए था पूरा, बाकी दरियाबाद आता था, दूसरा आता था, दो कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, गहलोत साहब ने कहा जब दे दिया है वापस नहीं लेना, दे दी चीज है उसको वापस नहीं लेना। जिला बरका रखा, धौलपुर जिला उस वक्त में बना, केकड़ी उस वक्त जिला बना, कोई गहलोत साहब ने कमेटी नहीं बनाई, कोई छेड़खानी नहीं की। तो मेरा भंडार इसी सरकार से निवेदन है, कोई छेड़खानी मत करो, दे दिया दे दिया, सांचौर जिले में कोई काम की जरूरत नहीं है बिल्डिंग बनाने की, ये कलेक्टर ऑफिस बना हुआ पड़ा, एसपी ऑफिस को ऐसा नया बन नहीं सकता, ऐसा बना हुआ पड़ा एसपी बनाए, तो कलेक्टर ऑफिस आज देख रहे पुराना थाना है, ऐसा पुलिस एसपी ऑफिस नया नहीं बनेगा, इतना बढ़िया बना हुआ। और जहां तक अधिकारियों का मामला है, नर्मदा कॉलोनी के अंदर 50 क्वार्टर खाली पड़े बंगले, आराम से कलेक्टर ऑफिस वहां चल सकता है, अधिकारी रह सकता है, कोई पैसा लगाने की सांचौर में जरूरत नहीं है, जरूरत है अधिकारियों की। अधिकारी को आज रिटायर नहीं हो रहे, अधिकारी रहेंगे, कलेक्टर यहाँ रहेगा, एक राशन कार्ड का काम झाड़ोर जाना पड़ता है वो सांचौर में होगा, इससे बढ़िया काम अपने जिले का नहीं हो सकता। साथियों मजबूत रखोगे, हिम्मत रखोगे, तब तो जिला रहेगा। हम तो इसलिए बैठे कि लोगों की भावना थी, जिला भाव चाह रहा है, कुछ संघर्ष करो, तब हम भूखे बैठे, आपके लिए भूखे बैठे। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम जो भूखे बैठे, हम तो भले ही बैठे, आपको कल आकर के